एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जेनरिक हैशटैग स्टडी। आज हम लोग मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम को देखेंगे। इसके शॉर्ट नोट एनसीईआरटी की क्लास 6 से लिए गए हैं और ये हमारे सीटेट के एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा बेस है, 6th, 7th, 8th हमारा बेस है, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम, KVS के एग्ज़ाम या एस्टेट में किसी भी गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगर आपने इसकी एक बार डीप स्टडी कर ली तो आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयार हैं। आइए देखते हैं हमारा नंबर सिस्टम संख्या के प्रकार। संख्या दो प्रकार में डिवाइड होती है, वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या, रियल नंबर बोलते हैं या इमेजिनरी नंबर। नेक्स्ट है हमारा परिमेय संख्या, जो हमारी वास्तविक संख्या है दो भागों में डिवाइड होती है, वो परिमेय संख्या फर्स्ट, और सेकंड है अपरिमेय संख्या। फर्स्ट, परिमेय संख्या दो भागों में डिवाइड होती है हमारे पूर्णांक या भिन्न। पूर्णांक हमारे दो भागों में डिवाइड होते हैं, पूर्ण संख्या या ऋणात्मक संख्या। अब पूर्ण संख्या हमारी दो भागों में डिवाइड होती है, नेचुरल नंबर, नेचुरल संख्या या प्राकृतिक संख्या कहते हैं हम लोग उसे, और शून्य। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वे संख्या जिनका प्रयोग हम गिनती के लिए करते हैं वह प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। एग्जाम्पल है हमारा 1, 2, 3, 4, 6। नेक्स्ट है हमारा पूर्ण संख्या या वो नंबर भी बोलते हैं इसे। जब हम सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को ले लिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। शून्य एक, यहाँ पर ये नोट है और इम्पोर्टेंट भी है, शून्य एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। सभी प्राकृतिक संख्याएँ पूर्ण संख्या होती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट है हमारा पूर्णांक। जब पूर्ण संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मानों को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो ये पूर्णांक कहलाती हैं। जब आइए देखते हैं इसका एग्जांपल क्या है। जैसे जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक मानों को भी इंक्लूड कर लिया जाता है, जैसे कि -1, -2, -3, -4, देखिए ये 0 है, यहाँ से हमारे धनात्मक हैं ये सारे और ये हमारे ऋणात्मक हैं। अब इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। ये हमारा पूर्णांक का एग्जांपल है। जब दोनों तरह के हमारे ऋणात्मक और धनात्मक इंक्लूड हों तो ये पूर्णांक कहलाते हैं 0 के साथ। आइए देखते हैं इवन नंबर। वे संख्याएँ जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल है 0, 2, 4, 6, 8, 10, so on। विषम संख्या हमारी होती है या ऑड नंबर भी बोलते हैं, वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। नेक्स्ट है हमारा प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। ये इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर हमारा ये इंपॉर्टेंट है। 1 से 1 से बड़ी ऐसी संख्याएं जो वे संख्या जो स्वयं से या केवल 1 से विभाजित हो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। नेक्स्ट है हमारा यौगिक संख्या। वे संख्या जो 1 से बड़ी हो और अभाज्य ना हो, आवाज ना हो। एग्जाम्पल है हमारा 6, 8, 10, 12, 14। अब देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस बार भी सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था, सीटेट और यूपीटेट में भी पूछा गया था। एक ना तो अभाज्य है और ना ही एक यौगिक संख्या है, नीचे वाला सॉरी, ये केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो कि सम एवं अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। नेक्स्ट है हमारा परवर्ती और पूर्ववर्ती और परवर्ती सक्सेसर, जैसे कि हम लोग परवर्ती कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में अगर एक जोड़ दें तो परवर्ती प्राप्त होता है, जैसे कि एग्जांपल है हमारा 16, 16 में एक जोड़ देंगे तो हमारा 17 हो जाएगा, 19 + 1 तो हमारा 20 हो जाएगा। पूर्ववर्ती संख्या है, अगर हम लोग किसी संख्या में 1 माइनस कर देंगे तो हमें पूर्ववर्ती प्राप्त हो जाएगा, जैसे कि 17 में हमने 1 माइनस किया 16 और 20 में 1 माइनस किया 19। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा।